हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं कविता और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं गुड वाइब्स के ये दो प्रोडक्ट का रिव्यू। ये है स्किन प्योरीफाइंग स्क्रब एंड दिस इज द ग्लो मास्क। एंड ये जितने दोनों जो प्रोडक्ट हैं bubble.com से आपको मिलेंगे। एंड आप सभी लोग जानते हैं कि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट ये सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री होते हैं एंड दोनों ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, समर के लिए बहुत नीड वाले प्रोडक्ट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है गुड वाइब्स के दो प्रोडक्ट जिनका मैं आज रिव्यू कर रही हूँ। ये है सबसे पहला नीम एंड तुलसी स्किन प्योरीफाइंग स्क्रब। ये 50 ग्राम की पैकेजिंग में आता है और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुड वाइब्स के जो भी प्रोडक्ट होते हैं सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री होते हैं। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो मैंने आपको बताई दी है। एंड इसका जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2018 से लेकर 2020 तक है। एंड इसकी जो प्राइस है वो 195 है, लेकिन पर्पल पर बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं जिसके थ्रू आपको ये बहुत सारे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। एंड इस पे की इंग्रेडिएंट इसके लिखे हुए हैं, सारे मेंशन है इस पे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एप्पल एक्सट्रैक्ट है इसमें, वनीला एक्सट्रैक्ट है इसमें, हर्न हेजल एक्सट्रैक्ट है, नीम तुलसी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बहुत सारे ऐसे एक्सट्रैक्ट हैं जो कि हमारी स्किन को हार्म नहीं करेंगे, साथ ही साथ हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होंगे। आँखों में चला जाए तो ये इसको आपको थ्रूली वॉश ऑफ कर देना है। तो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, नीम एंड तुलसी का है, स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा ही। तो इस तरीके की टब में आता है गुड वाइब्स के प्रोडक्ट। एंड ये इस तरीके की एक लिड लगी होती है, टेक्सचर आप देख ही सकते हैं। इसमें हल्के हल्के से ग्रेनुल्स हैं जो कि उसका बहुत अच्छे स्क्रब का वर्क करते हैं। आप ये इसका टेक्सचर है अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल नीम की जैसे आती है उसी तरीके से है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का पपाया ग्लो फेस मास्क। एंड ये आप लोग सभी जानते हैं कि पपाया जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो 50 ग्राम टब एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। एंड इसके जो की इन्ग्रीडियंट्स हैं वो है वाटर, ग्लिसरिन, काओलिन क्ले, बेटनोनाइट ग्लिसरिन एंड लिक्विरिस एक्सट्रैक्ट एंड वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट, बहुत सारे इसमें ऐसे पपाया एंड बहुत सारे इसमें ऐसे एक्सट्रैक्ट हैं जो कि आपकी स्किन को रिजुनवेट करेंगे एंड साथ ही साथ आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं एंड बी केयरफुल, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन है। तो इसको आपको अपनी स्किन पर लगाना है एंड थोड़ी सी मसाज करनी है, देन उसको 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। मैं इसको 20 मिनट्स तक लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पपाया का ग्लो फेस मास्क है एंड ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। जितनी भी मेरे पास टब है वो क्लास की टब है। So, ये इसका टब है और ये इस तरीके की इसमें लिड लगी हुई होती है एंड आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितना यूज कर चुकी हूँ और इसका इतना पसंद है मुझे, मैं इसको वीक में 3 से 4 डेज यूज कर लेती हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी सा है, बहुत ही क्रीमी सा, एंड इसकी जो खुशबू है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। इसकी खुशबू एकदम रिफ्रेशिंग है और थोड़ी थोड़ी वनीला की तरह मुझे इसकी खुशबू लगती है। और ये आपकी स्किन पर जब आप लगाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट बटरी इफेक्ट लेकर आता है एंड सच्ची में ये बहुत अच्छा ग्लो लेकर आता है आपके फेस पर। तो ये भी जो मस्ट बाय लगा मुझे समर्स के लिए एंड इसके लिए भी मैं बिग थम्स अप दूंगी। एंड जिनको प्रॉब्लम है मतलब फेस पर ग्लो नहीं है या फेस पे जो अनइवन स्किन टोन है तो उनके लिए बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। सो यहाँ मैं सबसे पहले अपने फेस को वेट कर रही हूँ गुड वाइब्स के टोनर से और देन मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। ये है गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी फेस स्क्रब, बहुत ही अच्छा स्क्रब है। नीम एंड तुलसी के इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपको समर में 2 to 3 times तो ज़रूर स्क्रब कर लेना चाहिए अपने फेस पर। और एक्ने प्रोन स्किन हो चाहे कैसी भी स्किन हो, लेकिन जो स्क्रब जो होता है उसको बिल्कुल माइल्डली करना चाहिए, ज़्यादा हार्श तरीके से नहीं करना चाहिए। यहाँ वीडियो स्पीड मोड में है इसलिए आपको स्पीडली लग रहा होगा। बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करनी है और इसको वॉश कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि स्किन इतनी क्लियर लग रही है, बहुत ही अच्छी रिफ्रेश फील हो रहा है। तो ये था इसका रिव्यू एंड देन मैं यहाँ सेकंड स्टेप पर अप्लाई करने वाली हूँ ये पपाया का फेस ग्लो मास्क। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितना अप्लाई कर चुकी हूँ, ये मेरा फेवरेट वाला मास्क बन चुका है। इसमें काओलिन क्ले है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ग्लो प्रोवाइड करेंगे। और हमेशा कोई भी पैक लगाएं तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको हमेशा लगाना है और इसको लगाने के बाद 20 मिनट्स तक मैं इसको छोड़ दूंगी। अब आप
देख सकते हैं कि 20 मिनट बाद मेरा फेस बिल्कुल सूख चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा तरीका है कि मैं टोनर पहले अपने फेस पर स्प्रेड करूँगी एंड देन उसको हल्के हाथों से स्क्रबिंग की तरह मैं करूँगी, जिससे फेस पर बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। तो ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही किसी भी फेस पैक को हटाती हूँ और देन मैं इसको वॉश करती हूँ अच्छे तरीके से। आप इसको स्क्रब कीजिएगा, मतलब चेहरे पर अप्लाई कीजिएगा। तो उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश कर दिया है, आप देख सकते हैं कि फेस पर कितना अच्छा ग्लो आ गया है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस फेस मास्क का। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, ये था इनका रिव्यू एंड ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, मस्ट बाय प्रोडक्ट हैं इन समर्स के लिए। तो मेरी तरफ से बिल्कुल इनके लिए थम्स अप है एंड मैं इनको जरूर रिकमेंड करूंगी सभी लोगों के लिए। ऑल स्किन टाइप हैं तो सभी लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू, मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को सबके साथ शेयर करना ना भूलिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।